उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनेंस निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चमोली जिले के आपदा प्रभावित डुंगरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से भेंट करते हुए परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने डुंगरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भरोसा दिया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन और जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले वो बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग के बाद इसमें देखेंगे कि कैसे रास्ते बनेंगे। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात और चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने में मात्र 9 दिनों का समय शेष रह गया है। देवस्थानम बोर्ड द्वारा तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी 30 अक्टूबर को शुभ लग्नानुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से बगैर तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। पूरे देश में 100 करोड़ टीके लगाने के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला, जिसकी वजह से 100 करोड़ टीकाकरण का ये मेगा अभियान पूरा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया है। इसके अंदर देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला। आज 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण अभियान पूरा हुआ। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके नेतृत्व में हमारे सभी विभागों से, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के लोगों का और उनका सबको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे टीकाकरण अभियान को संपन्न करवाया है, उसको आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया है और साथ ही साथ मैं उत्तराखंड के भी अपने सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, विभिन्न विभागों के जो भी हमारे कार्मिक इससे जुड़े हुए थे, अधिकारी जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के अत्यंत कठिन होने के बाद भी यहाँ पर भी जो फर्स्ट डोज है यहाँ पर 100% हो गई है। जो लोग इसके एलिजिबल हैं उन सभी को लगाई गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी हो, लेकिन सपा उत्तराखंड में अपने पैर कभी भी जमा नहीं पाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास मॉडल है मिनी सिडकुल, हमने 3 जोन में डिवाइड किया है। जो मिडिल जोन में हम मिनी सिडकुल लगा करके हर जनपद में
एक एक हजार युवकों को उसी के जनपद में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। 70 तक हमने तलाशी, समाजवादी पार्टी को अब जमीन मिल गई है और इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। करवा चौथ व्रत से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रुद्र रूप देखने को मिला। देहरादून के परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमा हुई और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। उत्तराखंड सरकार जब से आई है, भाजपा की सरकार, तब से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का एक रुपया नहीं बढ़ाया। लगभग 5 साल इस सरकार को पूरे होने वाले हैं और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ विभागों के सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी की तरफ से सरकार ने बिल्कुल आँखें मूंद रखी है। और आज इस सरकार की आँख और कान खोलने के लिए हम लोग शंखनाद रैली, महारैली पूरे प्रदेश से संयुक्त संगठनों की यहाँ पर निकाल रहे हैं। हमारे जो उत्तराखंड में जितने 7 संगठन संचालित होते हैं, उनका सबका एक हमने संयुक्त मोर्चा बनाया है, उसकी ये रैली है और आज रैली है। अगर सरकार आज भी नहीं मानेगी तो फिर हम 1 तारीख से बिल्कुल कार्य बहिष्कार करेंगे, और इतना सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। और हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमारी मांगे जितनी है पूरी होनी चाहिए, हमारा यही है, इसी से हमने ये धरना धर रखा है। अखिल भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक और किसान मजदूर एकता महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में हरिद्वार के गुरुकुल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वपाल दुष्यंत आधुनिक भीम ने बताया कि किसानों का ये कार्यक्रम किसानों के हित के लिए है। फिलहाल सरकार से हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले और किसानों के बच्चों को उनका हक समय पर मिलता रहे। किसान यूनियन के द्वारा एक महापंचायत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अनेक संगठन आए हुए हैं और उनको एक मिला करके एक हम भारतीय किसान संगठन जो है बनाने जा रहे हैं। दूसरा, जो किसानों की समस्याएं हैं वो सब लेके लोग आए हैं, देश जो करेंगे अब एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, हम समस्या का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट से लड़ेंगे नहीं, बातचीत के जरिए हर रास्ता निकालेंगे, हम ना रास्ता रोकेंगे। हमारा जो है मेन उद्देश्य किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा देना, वेदों की शिक्षा देना और अच्छी इजराइल की तरह पर अच्छी खेती की शिक्षा फ्री और देना, देहरादून में उनके लिए अच्छी आवास की व्यवस्था करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। देश भर में एक तरफ तो लोगों में कोरोना की दहशत अभी कम नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी ओर वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में वायरल का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे अस्पताल में मरीजों की भरमार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वायरल के मरीज आ रहे हैं, वहीं वायरल और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। लगातार अस्पताल में कोरोना और डेंगू की जांचें की जा रही हैं। मरीज अभी पिछले करीब 15 दिन से जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बढ़े हैं, लेकिन हम लोगों की कोविड की भी जाँच करा रहे हैं साथ में और डेंगू की भी जाँच करा रहे हैं, तो ऐसा कोई कन्फर्म हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है, ना डेंगू का ना कोविड का। मरीज जरूर बढ़े हैं और बुखार के मरीज आ रहे हैं लगातार, उनको पूरी दवाई दी जा रही है, पूरी जांच की। उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग द्वारा डोईवाला विकासखंड अंतर्गत खेल महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मारखम ग्रांड के पूर्व ग्राम प्रधान अब्दुल रज्जाक ने किया। जैसा आप देख रहे हैं कि आज विद्यालय में एक उत्सव सब मन रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों पर जागरूकता है, बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, बच्चा खेल से दूर जा रहा है, मोबाइल में बिजी है। लेकिन सरकार का ये बहुत अच्छा पहला कदम है कि खेल महाकुंभ संकुल स्तर पर, मारखम ग्रांट के संकुल स्तर पर हमारे विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज में हो रहा है और बच्चा रुचि ले रहा है और खेल की तरफ जागरूक हो रहा है। खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ना लिखना अपनी जगह है, लेकिन खेलना कूदना जिंदगी का एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है और बचपन से ही बच्चों को शुरू से ही खेल कूद में लगाना चाहिए। आज की जो नस्ल मैं देख रहा हूँ वो खेल कूद से बहुत दूर है, क्योंकि वो सारा समय अपना मोबाइल देखने में या दूसरे पढ़ाई में कदर लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक बच्चों की मशीन बन जाती है, रात तक हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए 3 साल के बच्चे को हम दाखिल कर देते हैं स्कूल में, और 3 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, उस पर भी पढ़ाई का दबाव, ये कर ले ये कर ले, और इस ढंग से हमने उसका जो दिमागी वो है हिसाब है, उसका जो नशोनुमा होनी चाहिए बच्चे के अंदर, जो
विकास होना चाहिए बच्चों का, वो विकास माँ बाप ने रोक दिया है। तो हमारा उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम शुरू से ही बच्चों को खेल कूद की तरफ रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।